बुधवार को गिट्टी खदान पुलिस ने डकैती की तैयारी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया है। हालांकि उनमें से एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। इस संदर्भ में गिट्टी खदान पुलिस के अधिकारी ने अधिक जानकारी साझा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को गिट्टी खदान पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने गिट्टी खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली गणेश नगर दापा स्थित धनगौरी नंदाजी समिति देवस्थान मंदिर के पीछे छापा मारा और पंकज राउत कर ऋतिक राणा येरिल वरिन अभिषेक मेश्राम समेत और एक आरोपी को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया, लेकिन एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। इस बारे में अधिक जानकारी गिट्टी खदान पुलिस के एक अधिकारी ने दी। बरोबर आहे, काल माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडल 2 यांच्या मार्गदर्शनानुसार कोम्बिंग ऑपरेशन आयोजित, पोलीस स्टेशनला कोम्बिंग ऑपरेशन कारवाई सुरू होती। त्या दरम्यान कोम्बिंगवरील पोलीस अधिकाऱ्यांना काही आरोपी गणेशनगर दाभा या भागामध्ये दरोड्याची तयारी करून लपून बसलेली आहेत अशी माहिती मिळाली। त्यावरून पोलिसांनी पंचासह त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केली असता त्या ठिकाणी 5 आरोपी पोलिसांना ताब्यात मिळाले। आम्ही पोलिसांनी आरोपीओचे 3 मोबाईल, 2 मोटारसायकल, 2 चाकू, 1 गुप्ती पेचकस, नकदी 310 रुपए समेत अन्य चीजें बरामद की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई गुनाह दर्ज थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।